हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी तक हमने पढ़ा कि सेल्स दिखने में कैसे होते हैं एंड जो सेल्स है वो बेसिक फंक्शन ऑफ द लाइफ है। अब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में डिफरेंट डिफरेंट उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने सेल की जो कैटेगरी है, सेल के रिलेशन में जो जो डिस्कवरीज की है, ठीक है, यानी कि सेल के कॉन्टेक्स्ट में जो भी अभी कुछ डिस्कवरीज हुई हैं वो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। लेविन हॉक 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। पुअर जिनजी इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट श्लाइडेन एंड श्वान। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट करके दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपसे आपके एग्जाम में वन वर्ड में या फिर वन मार्कर्स में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। सो दिस पैराग्राफ, दिस बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी हाईलाइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें डेफिनेटली याद करके जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? टेस्ट में याद करके जाना चाहिए। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन बाय वर्को इन 1855 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व दैट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। सो 1940 में हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिला एंड वहां से हमने फिर आगे की अपने सेल की जर्नी स्टार्ट की। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हमें 1940 के बाद दिखने को मिले। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल मे कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। सो मैग्नीफाइंग ग्लासेस जब से उनकी डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई है, जब से उनकी इन्वेंशन होनी स्टार्ट हुई हैं, हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगनी शुरू हो गई हैं। अब जाके हमें पता लगा है कि कोई एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिंगल सेल्ड होता है और वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें हमारे पास आएगा अमीबा, क्लैमिडोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। These organisms are called unicellular organisms. Uni means single. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms. And multi ka means aapko pata hi hai many, such as some fungi, plants and animals. Can we find out names of some more unicellular organisms? So, अगर हम यहाँ पे बात करें unicellular organisms की, तो example है हमारे पास amoeba, Chlamydonas, Paramecium and bacteria. अगर हम multicellular organisms की बात करें तो हमारे पास है fungi, plants and animals. और अगर और भी थोड़े unicellular organisms की बात करें तो हम cilia का नाम भी ले सकते हैं. So, every multicellular organism has come from a single cell. This is also an important one-liner. जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे एक बार तो अपनी लाइफ में सिंगल सेल थे, यानी कि जब उनकी लाइफ की शुरुआत होने वाली थी तब वो सबसे पहले सिंगल सेल थे। हाउ सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को फर्दर डिवाइड करते रहते हैं ताकि उन्हीं के जैसे और भी सेल्स प्रोड्यूस किए जा सकें। All cells does come from pre-existing cells. इसीलिए जो भी सारे के सारे cells होते हैं वो pre-existing cells से ही बनाए जाते हैं। Next है हमारे पास activity 5.2. Activity 5.2 में आपको दिया हुआ है कुछ questions आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं जिसके answer आपको next paragraph में मिल जाएगा। We can try preparing temporary mounds of leaf peels, tip of the root of onion or even peels of onion of different sizes.
सो अभी हमने लास्ट एक्टिविटी में किया था कि हमने टेम्परेरी माउंट्स बनाए थे, लेकिन हमने जो लास्ट एक्टिविटी है उसमें सिर्फ अनियन पील के ही जो टेम्परेरी माउंट्स हैं वो बनाए थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, लीफ पील्स के बना लेंगे, रूट्स के बना लेंगे, ठीक है, या फिर जो पील है उसके तो हम बना ही लेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग दी अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर्स टू दी फॉलोइंग क्वेश्चंस कुड बी। सबसे पहले, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? क्या जितने भी सेल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, प्लांट में आपका स्टेम, रूट्स, लीफ, क्या सारे के सारे जो सेल्स होंगे उनके शेप और साइज दिखने में एक जैसे होंगे? द आंसर इज नो। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? द आंसर इज नो। कुड वी फाइंड डिफरेंस अमंग द सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ अ प्लांट बॉडी? यस, वी डेफिनेटली कैन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो होंगे प्लांट के, उनके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे। वट सिमिलैरिटीज कुड वी फाइंड? कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हम फाइंड आउट कर पाएंगे? जो सिमिलैरिटी के बेसिस है वो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चलेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि जो अनियन है उसके जितने भी हमें सेल्स दिखाई देंगे वो सिमिलर दिखाई देंगे, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि वो डिफरेंट है। देखो, लास्ट वाली जो हमारी एक्टिविटी है उसमें हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट साइजेस ऑफ अनियन के जो सेल्स होंगे क्या वो सिमिलर साइज के होंगे। सो वो थे क्या? वो थे तो बेसिकली अनियन ही। अनियन जो हैं वो दिखने में बड़े या छोटे थे, लेकिन उनके जो पील्स होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही होगी, क्योंकि वो अनियन बल्ब ही थे सारे के सारे, ठीक है। अगर मैं बात करता उस अनियन के लीफ के बारे में तो हाँ, तो जो सेल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते फिर, ठीक है। उस वाले में बात की थी सेम कैटेगरी के बारे में, और यहां पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स, या फिर प्लांट और एनिमल के बीच में कोई डिफरेंस, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको इसके सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट सम सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसे नीचे आपको एक जो फिगर है वो दी गई है, एक फिगर आपको दी हुई है यहाँ पे। ये ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, जैसे कि हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स है, ब्लड सेल है, फैट सेल है, स्पर्म सेल्स है, ओवम सेल्स है। अब ये सारे के सारे देखो है तो ह्यूमन के अंदर ही, लेकिन इन सभी सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम ये बात करें कि जितने भी स्पर्म सेल्स होंगे क्या उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ऐसा ही होगा, तो यस, ऐसा ही होगा। जितने भी ओवम सेल्स होंगे एक ह्यूमन के अंदर, क्या उनका जो सेल स्ट्रक्चर है या जो सेल साइज है वो सेम होगा? हाँ जी, सेम होगा, यहां पे भी सेम होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट होते हैं, ओके। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप इन सम केसेस। द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और जो साइजेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा जो है वो हमेशा अपनी शेप को चेंज करता रहता है, इसलिए कभी भी जो जो अमीबाज होंगे उनके साइजेस या शेप सिमिलर नहीं होंगे। लेकिन अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल्स की जो शेप है वो मोर और लेस फिक्स्ड ही रहती है और हमेशा स्पेसिफाइड ही होती है। ईच लिविंग सेल हैज अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन? वी नो दैट देर इज अ डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है
उनके जो परफॉर्मेंसेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से उनके जो सेल के साइजेस और शेप है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने के काम आता है, जो स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है, इस वजह से इनके जो सेल्स हैं वो डिफरेंट रहते हैं। सिमिलरली द डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल, इन फैक्ट ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनाइज। इसी तरीके से जो कुछ डिफरेंट डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं उनके बीच में भी हमने कोई जो डिससिमिलैरिटीज हैं वो देखी हैं, और हमने एक चीज जरूर देखी है कि सारे के सारे ही सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनाइज होती हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनाइज परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटीरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। और जो अलग अलग ऑर्गेन जो ऑर्गेनाइज होती है, यानी कि ऑर्गन के अंदर भी जो सब पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइज बोलते हैं, उनके भी डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। कईयों का काम होता है खाने को बनाना, कईयों का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देना। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनाइज। दीज ऑर्गेनाइज टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड दी सेल। सेल के अंदर भी जो चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज, मतलब सेल को जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो होती है ऑर्गेनाइज। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनाइज नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन। अब ये सुनने में इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ने में भी अब इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज जो होती है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में होती ही होती हैं, यानी कि सेम ऑर्गेनाइज मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हमें हर एक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, लाइसोसोम हमें हर एक ऑर्गेनिज्म हर एक जो एनिमल है उसमें हमें मिलेगा। सो यहां पे ये बात इंटरेस्टिंग होगी कि सेम ऑर्गेनाइज जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे काम करती हैं, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।